सुधा फैमिली ब्लॉग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो अभी जा रहे हैं अपने मायके। तो आज बहुत इतना नज़दीक होते हुए भी लगभग 8-9 महीना हो गया है, होली पे गए थे, नहीं हो पाता है। दूर वाला तो खैर नहीं ही हो पाता है, नज़दीक वाला भी नहीं हो पाता। तो आज बहुत दिनों से सोचते दिवाली से पहले से सोच रहे हैं, दिवाली क्या दशहरा से पहले से सोच रहे हैं कि नहीं जाएंगे किसी दिन जाएंगे, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा है। और तबीयत भी बीच में इतना ख़राब हो गया था ना कि फिर जाने का मन नहीं कर रहा था। तो आज हो गया कि नहीं आज चलते हैं। मैं तो कहीं बाहर की वीडियो बना नहीं पाती हूँ, तो घर से ही स्टार्ट कर लिए हैं। और घर से ही स्टार्ट, फिर घर से ही फिर शायद आए तो बात करें, बीच में तो हो नहीं पाता है, तो उसका तो कुछ नहीं कर सकते। तो अभी हो गए हैं पूरी तरह तैयार, बच्चे भी तैयार हो गए हैं, और ये अभी जा रहे हैं, केवल छोड़ के आएंगे क्योंकि दूध वाले अभी नहीं आए हैं, तो दूध लेना है। तो बगल में ही है, बहुत दूर नहीं है, लेकिन फिर भी सोचिए बगल में है, फिर भी इतना दिन हो जाता है, तो सोचते ही समय निकल जाता है। तो अभी ये छोड़ के चले आएंगे। और फिर ये भी होता है ना कि ये बहुत ज़्यादा औरतों से भाभी लोग रहती हैं, चाची रहती हैं, तो बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाते हैं, तो इनको लगता है कि तुम अपना गांव की बातें होने लग जाती है, जो बातें इनको बिल्कुल समझ में नहीं आती है, तो इनको लगता है कि तुम अपना बात कर लिया करो, मैं आऊँगा जब भैया लोग रहेंगे तो आऊँगा, थोड़ी देर बात करूँगा और फिर चले आएँगे। तो ये छोड़ के आएंगे अभी, और फिर दूध लेने के बाद और थोड़ी देर बाद फिर जाएंगे लाने के लिए। अभी निकलने लग गए, तब तक कोई आ गया, तो ये लेके आए हैं मिठाई। तो पहले तो आप देखिए घी भी बनाए हैं, घी बना के रख दिए हैं, अभी इसको ढक देते हैं। किचन का पूरा काम ख़त्म कर दिए हैं, केवल आएंगे तब खाना वाना बनाना है। तो पहले तो गुलाब जामुन लाए हैं, गुलाब जामुन दे दे सबको, फिर चलते हैं। वही हो जाता है घर से जब निकलना हो, निकल जाए तब जाने। गुड मॉर्निंग, कल वीडियो तो स्टार्ट हो गया लेकिन फिर उसके बाद बिल्कुल नहीं बना पाए। तो वो तो पहले ही आप लोगों से बता भी दिए थे कि मैं कहीं भी जाती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। बाकी बहुत बहुत खुशी हुई वहाँ जाकर, बहुत अच्छा लगा। अभी नाश्ता बनाना है, नाश्ते का देर हो रहा है, तो आके बात करते हैं, पहले बना लेते हैं नाश्ता। आलू गोभी की सब्ज़ी बनाना है, सब्ज़ी की तैयारी कर लिए हैं। और इधर ये कपड़ा सब प्रेस करके कल का रखा हुआ है, दो दिन इस बार फ्राइडे और सैटरडे दो दिन लगाना पड़ा मशीन, तो भाई सब कपड़ा ये प्रेस कर दिए हैं, तो इसको अभी अपने जगह पे हटाना है। तो अभी तो मेरे पास समय नहीं है, पहले चलते हैं किचन में नाश्ता बना ले और टिफ़िन का हो जाए, क्योंकि देर होता रहता है ना तो फिर कोई काम में मन नहीं लगता है। फिर आपसे बात करते हैं। इधर बना रहा सब्ज़ी, यहाँ पे दाल बन गया, दाल हो गया है अभी, और साथ में लगा रहे हैं आटा। किचन से हो गई छुट्टी, अभी नाश्ता नहीं किए हैं, ये चले गए, ओम भी चले गए, तो अभी मतलब अभी नहीं करेंगे, थोड़ी देर बाद से अब सब काम फिर से शुरू करेंगे। एक बार बन जाता है ना तो उसके बाद अभी नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद से फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद, क्योंकि इकट्ठे पूरा काम हो भी नहीं पाता। और कल का बहुत अच्छा लगा, कल मतलब बनाए तो फिर वहाँ पे एक तो याद भी नहीं था, और पूरा समय मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, बच्चे मतलब थोड़ा बहुत तो खेले, इनके उम्र के भी बच्चे हैं तो इन लोगों के साथ थोड़ा देर खेले, और उसके बाद फ़ोन ले लिए ये लोग, तो मुझे याद भी नहीं था कि वीडियो बनाना है। और दूसरी चीज़ मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, तो वही सब था, लेकिन बहुत अच्छा लगा। जितनी खुशी मुझे घर जाके होती है
उससे भी ज़्यादा कहिए कम समय में उससे ज़्यादा खुशी यहाँ जाके मिल जाती है, क्योंकि यहीं जाओ यहीं आ जाओ, ना पैकिंग करो ना ये करो, और पूरा गहमर वाला माहौल जैसे मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। और फैमिली भी सब लोग मतलब इतना अच्छे से मिलते हैं ना कि और खुशी होती है। और इतना नज़दीक होने के बावजूद सोचिए कितना समय हो गया था जग गए, और सोचते हैं कि बीच बीच में चले जाया करें, लेकिन वही है ना, मतलब कभी दिमाग से भी निकल जाता है, कभी लगता है ये कर ले वो कर ले। और इधर बीच तो कुछ महीने से मेरी तबीयत ही उतनी अच्छी नहीं हो रही है, मैं तो बाहर टहलने तक मतलब कभी निकलती हूँ कभी नहीं निकलती हूँ, ऐसा हो गया है। तो वही सब थोड़ा बहुत आलस हो गया था। और गए तो कल चाची की तबीयत भी ख़राब थी, रात में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो वही सब दीदी भी आ गई उनको देखने के लिए, तो उसी बहाने हम लोग भी उन मिल लिए, दीदी जीजाजी भी आ गए। तो बहुत अच्छा लगा, और कभी मिलाऊंगी आप लोगों से, जब वो मेरे घर आएंगे तब मिलाऊंगी, तब अच्छा लगेगा। मैं अपने घर में वीडियो बनाने में उतना नहीं रहता है, और अपने घर में रहता है कि कैमरा लगा के रख दी, अपना काम कर रही हूँ, वैसा हो जाता है। तो कभी मिलाऊंगी आप लोगों से, अभी नहीं, तो जब फैमिली है तो कभी ना कभी तो मिल ही लेंगे। आने को तो कई बार मैं किसी का भी देखती हूँ, मम्मी भी आती हैं, तो मतलब मम्मी आती हैं तो 2 दिन 3 दिन ऐसे करके रुकती हैं, लेकिन मैं किसी एक दिन का थोड़ा बहुत वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, और वो भी अब 1-2 बार से, क्योंकि ना यूट्यूब का मुझे तो एक तो डर लगा हुआ था, पता नहीं मैं लंबे समय तक इस पर वीडियो बनाऊँगी कि नहीं बनाऊँगी, छोड़ दूँगी, और फिर हर किसी से पूछना भी नहीं, मैं तो मम्मी को अभी तक बताई भी नहीं हूँ कि मैं वीडियो बनाती हूँ, यही डर है, ऐसा कोई वजह नहीं है। मम्मी तो बिल्कुल मना नहीं करेंगी कि मतलब क्यों बना रही हो, मेरी सास का वैसा कुछ रहता नहीं है नेचर, वो मतलब किसी चीज़ में वो रोक टोक वाले उनका नेचर नहीं है, लेकिन ना मुझे डर लगता है कि पता नहीं मैं आगे तक जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी, अब पूरी जगह बता दी। मैं चाहती हूं कि लोग खुद से देखें और खुद से आके बताएं कि मतलब वीडियो बनाती हो क्या, तुम्हारा वीडियो देखे, ऐसे मैं चाहती हूं। तो ऐसा कुछ अभी लग नहीं रहा है कि इतनी जल्दी होगा, लेकिन हाँ पहले के हिसाब से तो बहुत बहुत आगे बढ़ ही गए हैं और बढ़ेंगे ही। देखिए मेहनत तो हर चीज़ में करना है, और मेहनत में मैं पीछे नहीं हटती, तो वही सब बात है। तो कल उसके बाद मन नहीं किया, और मूड भी इतना अच्छा था, और इतना मतलब लोगों से मिलके, और रात में आए तो थोड़ा सा देर भी हो गया, फिर खाना बनाना खाना ये सब मतलब हो गया, तो फिर नहीं मन किया कि आगे वीडियो उसको कंटिन्यू करें, तो कहे कि चलो कल मतलब उसका कल बना लेंगे, तो इसीलिए तो आज फिर इस वीडियो का यही पे एंड करते हैं। तो अगर आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा, कैसी लगती है मेरी वीडियो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।